गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी नेहा। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल रिव्यू ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, मार्स कलर चेंजिंग फाउंडेशन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू प्लस एक छोटा सा डेमो शेयर करूंगी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या ये प्रोडक्ट सच में वर्थ बाइंग है या नहीं है। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड होपिंग सो आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड प्लीज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, शावर शम लव टू माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू एंड अपकमिंग वीडियोज। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो दिस इज द प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो ये है इसका आउटर पैकेजिंग, ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एज यू कैन सी। एंड ये जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसमें यहाँ बैक पे आपको इंग्रीडियंट लिस्ट मिल जाता है, प्राइस मिल जाता है, एमआरपी जो है प्रोडक्ट का वो है 449 रुपीज, बट आपको अमेजोन पे हमेशा डिस्काउंट में 380-360 में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट भी मेंशनड है एंड इट कम्स विद द सेल्फ लाइफ ऑफ 3 ईयर और सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है बहुत डिटेल वे में। उसके बाद जो है यहाँ पे मेंशनड है कि ये क्या क्लेम करता है। ये क्लेम करता है कि ये एक वाटरप्रूफ फाउंडेशन है और ये आपको एक शैटन फिनिश देगा। उसके बाद बात करें इसकी इनर पैकेजिंग की, तो आई एम इन जस्ट लव विद द इनर पैकेजिंग। ये जो है ये ब्यूटीफुल से ऐसे ग्लास बॉटल में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली तो है नहीं बट बहुत ही क्लासी एंड लग्जूरियस सा पैकेजिंग है इसका। एंड ये गोल्डन रोज गोल्ड कलर का जो ये कैप है, मेरे को पर्सनली इसका पैकेजिंग काफी पसंद आया है, इनर पैकेजिंग। एंड यहाँ पे बस आपको यहाँ नेम मेंशन है कि मार्स कलर चेंजिंग फाउंडेशन है एंड यहाँ पीछे में आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड एमआरपी मेंशन है। एंड यहाँ पे जो है बैक पे नीचे पे जो है आइटम नंबर और प्लस नेट वेट मेंशन है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में ही आपको दिखा दिया, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। आप जब ओपन करोगे तो अंदर पे ऐसे आपको एक लिड मिलता है एंड उसके बाद ये है हमारा प्रोडक्ट। ये व्हाइट इन कलर है एंड ये जो है देखने में एकदम जैसे नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर होता है वैसे ही है। एंड सबसे अच्छी चीज है ना कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये क्यूट सा स्पैचुला मिलता है जो कि अप्लाई करना इजी कर देता है। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी हाथ पे, मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है एंड मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं पूरे हाथ पे ही अप्लाई कर लेती हूँ ताकि आपको दोनों हाथ में डिफरेंस दिखा पाऊं। बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ये जो प्रोडक्ट है जो क्लेम करता है कि ये इजिली ब्लेंड हो जाता है, एकदम सैटिन सा फिनिश आपको देगा, तो वो सच में ये बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है एंड यू कैन सी एकदम सैटिन सा फिनिश देता है। उसके बाद सेकंड थिंग जो ये क्लेम करता है कि ये वाटरप्रूफ है, तो हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ अपने हैंड पे। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा बट जब आप इसको कॉटन से वाइप करोगे, अगर इस प्रोडक्ट को, तो आप देखोगे कि कुछ हद तक या मैक्सिमम हद तक जो है प्रोडक्ट वो रिमूव हो जाएगा। बट जैसा कि ये क्लेम करता है कि वाटरप्रूफ है, तो हाँ अगर आप वाटर स्प्रे करोगे तो प्रोडक्ट जो है वो निकलेगा नहीं जब तक आप उसको रब नहीं करोगे। कमिंग टू माई पर्सनल व्यू पॉइंट अबाउट दिस प्रोडक्ट, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस प्रोडक्ट का मेरिट क्या है, क्या चीज जो है मेरे को इस प्रोडक्ट में काफी पसंद आया। सबसे फर्स्ट थिंग जो है ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इजिली आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज ये जो प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे आपको बहुत ही प्यारा सा ग्लो एंड सैटन फिनिश मिलेगा।
एंड द थर्ड थिंग जो कि मेरे को इस प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छा लगा वो ये है कि ये बहुत ही इजी टू अप्लाई है. आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का जरूरत नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए. आप जैसे नॉर्मली अपना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो अपने हाथों से, वैसे आप इजिली इसको अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद फोर्थ थिंग जो कि मेरे को इस प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा लगा वो ये है कि इसके साथ आपको ये क्यूट सा स्पैचुला मिलता है जो कि प्रोडक्ट को निकालना और अप्लाई करना काफ़ी ईजी कर देता है. उसके बाद बात करते हैं इसकी डीमेरिट की. तो सबसे जो मेजर डीमेरिट है इस प्रोडक्ट का वो है कि इसमें कोई सेड रेंज नहीं है. आपको सिंगल ये सिर्फ एक सिंगल सेड मिलेगा. एंड मेजर डीमेरिट इस प्रोडक्ट का ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वर्क करेगा फेयर टू वीट स्किन टोन के लिए. जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनके लिए ये वर्क नहीं करेगा, उनको व्हाइट कास्ट देगा. तो ये जो है मेजर डीमेरिट है इस प्रोडक्ट का. उसके बाद सेकेंड थिंग जो कि मेरे को इस प्रोडक्ट में नहीं पसंद आया वो है इसका फ्रेग्रेंस. इसका जो फ्रेग्रेंस है एकदम केमिकल वाला है, वो चीज़ मेरे को इस प्रोडक्ट में पसंद नहीं आया. एंड ओवरऑल अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो जिनका फेयर स्किन टोन है, जैसे कि मेरा फेयर स्किन टोन है, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है. बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही प्यारा सा ग्लो प्रोवाइड करता है आपके स्किन पे. जैसे कि मैंने जो अभी लुक क्रिएट किया है वो इसी फाउंडेशन को यूज़ करके किया है. एंड मैंने अपने चैनल पे दो मेकअप लुक इसी फाउंडेशन को यूज़ करके किया है. तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो एंड चेक दैट मेकअप लुक. और ये वाला मेकअप लुक भी आप चेकआउट करो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना प्यारा ये जो है लुक मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ करके क्रिएट किया है. एंड उसके बाद जो थर्ड डीमेरिट इस प्रोडक्ट का है कि विद टाइम ये थोड़ा सा जो है ऑक्सीडाइज होता है ये प्रोडक्ट. तो ये था ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में. एंड मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जिनका फेयर टू वीट स्किन टोन है वही इस प्रोडक्ट को परचेज करें. एंड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जब आप इसको अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट कर लो, उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई करो. एंड ऐसे तो मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, बट आई विल रिकमेंड कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लो तभी आप प्रोडक्ट को अप्लाई करो. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. होपिंग सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.